पैसे लेगा तू ले ले पैसे ले और ले ना तो पैसे ले तू पैसे लेगा ना ले ले और ले ना तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे लेगा मुझसे यार पता नहीं क्या हो गया इसमें इसको भी अभी खराब होना था। अरे यार इसको जल्दी से ठीक करो पर ना हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे एकदम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं जल्दी से ठीक करो। अरे यार कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या कमी हो गई है। अब जो ना इसको मिस्त्री के ही पास ले जाना पड़ेगा वही ठीक करेगा इसको। अरे यार तुम हमेशा ही ऐसा करते हो मुझे रोज कॉलेज के लिए लेट करा देते हो। चलो अब जल्दी से लेके चलो मिस्त्री के पास। आप कुछ पैसे दे दो मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया। चल जा यहाँ से भिखारी हमारा तो वैसे ही दिमाग खराब है कॉलेज को वैसे ही लेट हो रहे तुझे ने कहाँ से आ गया हमें परेशान करने। मैम दे दो ना कुछ पैसे भगवान तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। भिखारी पहले अपनी परेशानी तो दूर कर ले बाद में हमारी परेशानी दूर करने की दुआ करना खुद तो परेशान है और भी परेशानी दूर करेगा। मैम भगवान पर भरोसा करो तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगा। मैम दे दो ना कुछ पैसे खाने के लिए इस गरीब पर ध्यान तो करो। मैम हमें नहीं करवानी अपनी परेशानी दूर इन्हें कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी चल हट हमारे रास्ते से हट। भैया तो छोटू क्यों मार रहे थे तुझे। अंकल मैं इनसे कुछ पैसा मांग रहा था भूख लग रही थी। भाई साहब ऐसा क्या गलत कह दिया था इन्हें जो तुम इसे मार रहे थे कुछ पैसे ही तो मांग रहा था ये चोरी तो नहीं की थी। जब तेरी इतनी दया आ रही है तो तू ही ना दे दे पैसे। मैं तो दे दूंगा मैं 10 रुपए देने में कोई गरीब हो जाऊंगा क्या। ले भी ले छोटू किसी गरीब को पैसे देने से गरीब का भलाई होगा क्या पता वो गरीब तुम्हें कितनी दुआ दे जाए। जी मैं कई दिन से भूखा हूँ मुझे केले दे दो खाने को। छोटू रोज रोज की भीख मांगने से अच्छा है कुछ काम कर लो। अंकल जी मुझ जैसे गरीब बच्चे को कौन रख सकता है काम पे। छोटू तेरे माता पिता क्या काम करते हैं। अंकल जी मेरे माता पिता नहीं है इस दुनिया में और मैं अनाथ हूँ इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रहते कहाँ हो और करते क्या हो। अंकल जी मैं भीख मांग कर अपने पेट का गुजारा करता हूँ और रहने के लिए भी छत नहीं है। छोटू रोज रोज की भीख मांगने से अच्छा है कुछ काम कर लो। इधर उधर भीख मांगने से अच्छा है मेरे पास ही काम कर ले। क्या कर सकता हूँ अपने जीवन में। छोटू मेरे ठेले पे काम करेगा मगर ईमानदारी से काम करना होगा। जी अंकल जी मैं काम कर लूंगा और जिम्मेदारी से करूंगा। हाँ छोटू तू केले भेज मैं और कोई काम देख के आता हूँ। ठीक है अंकल। और हाँ केले ईमानदारी से बेचना। अंकल चलो आगे देखते हैं आगे कोई ना कोई ठेला होगा आपका केला खाने का ही तो मन कर रहा है केले मिल जाए। देखो वो रहा केले वाला सामने अरुण यार मेरे केले खाने का बहुत मन कर रहा था और केले ही मिल गए थैंक गॉड। अब थैंक्स गॉड ही करती रहोगी अब ले लो ना केले। अरे अरुण यार ये तो वही भिखारी है ना जो रास्ते में भीख मांग रहा था और हमने इसे भीख भी नहीं दी थी। चलो आओ अब हम इससे ही केले लेते हैं। अबे वो भिखारी केले बेचने शुरू कर दिया। जी साहब। तूने किसी की चोरी करी होगी और तू कर भी क्या सकता है या तो भीख मांग सकता है या तो चोरी कर सकता है। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की ये तो साहब का ठेला है मैं इसमें केले बेचता हूँ। ये केले बेचने के बदले में 2 वक्त रोटी मिल जाती है मैं उसी में ही खुश हूँ मैं क्यों किसी की चोरी करूँ साहब। चल कोई बात नहीं हमें 1 दर्जन बढ़िया से केले कर दे। तो उस दिन की बात भूल गया है
हमसे मांगेगा पैसे? साहब जी, ये ठेला मेरा नहीं है, इस पे तो मैं काम करता हूँ, और तुम पैसे नहीं देंगे तो मेरे मालिक पीटेंगे और दो वक्त रोटी भी नहीं मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की? तू हमें जानता भी है, इस एरिया के सबसे अमीर आदमी है हम। साहब, आपको तो पैसे देने ही होंगे। तूने ही तो उस दिन मुझे कॉलेज के लिए लेट करा दिया था और बोल रहा था कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और मैं कराती हूँ तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी। साहब, तुम इतने अमीर आदमी हो, तुम मेरे केले के पैसे क्यों दे रहे? अरुण ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। पैसे लेगा तू? ले पैसे, ले और ले ना, ले पैसे, ले तू पैसे लेगा ना, ले ले और ले ना। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो, मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे लेगा मुझसे। ये काम दिया था ठीक से, वो भी ठीक से नहीं हुआ, जा चला जा मेरे आंखों के सामने से, चला जा मेरे आंखों के सामने से, अपना भीख मांग के गुजार कर लेना। कहीं नहीं, पास के गांव में जाना। अरे चोर चोर चोर, मेरा बैग ले गया चोर, चोर चोर मेरा बैग ले गया, चोर चोर पकड़ो, चोर मेरा बैग ले गया। चोर मेरा बैग ले गया, चोर चोर पकड़ो, चोर मेरा बैग ले गया। छोटू, आज तूने ये बैग बचाकर मेरी जिंदगी बचा ली। तुझे पता भी है इस छोटे से बैग में क्या है? इस छोटे से बैग में मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है और मेरी फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं। छोटू, तू करता क्या है? कुछ नहीं साहब, भीख मांगकर खाता हूँ, कभी उधर से मांग कर खा लेता हूँ, कभी इधर से मांग कर खा लेता हूँ, ऐसे जीवन बिता रहा हूँ। और तेरे माता पिता क्या करते हैं? वे अब इस दुनिया में रहे, मैं अनाथ हूँ। तो छोटू, तुम अपने जीवन में करना क्या चाहते हो? साहब, मैं पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता हूँ। ठीक है छोटू, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और आईएएस जरूर बनाऊंगा। चल छोटू, तुझे बहुत भूख लगी थी ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। तुझे बहुत भूख लगी थी ना छोटू, कई दिन से भूखा, मैं भी चलकर आया हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, तू यहीं बैठ, मैं खाना लेकर आता हूँ। ले छोटू, खाना खा। कोई बात नहीं छोटू, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी एक सपना था। एक्शन। कोई बात नहीं छोटू, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी एक सपना था कि कोई मेरा बिजनेस काम है। कोई बात नहीं, तू अब आ गया है, हाँ तेरा भी एक सपना था कि मैं आईएएस बनूं।
पढ़ लिख ले पहले, उसके बाद तो अपने सपने पूरा करना, ठीक है? ठीक है साहब। साहब मुझे घर कोई जगह नहीं है, यहाँ पे अकेले रहते हो आपने शादी नहीं की? ऐसी बात नहीं है छोटू, शादी तो की थी पर चल छोड़ ये बातें, छोड़ कुछ और काम करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करना, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। अच्छे से पढ़ाई करेगा जब ही आईएएस बनेगा, ठीक है? अब मैं जाता हूँ। छोड़ो, पढ़ाई कैसे चली थी? सही चली साहब। थोड़ा पानी लिया? अभी लाता साहब। सर हम एक जमीन के सिलसिले के लिए आए हैं, सर आप फाइल देख लीजिए। हम उस जमीन पे फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और वो जमीन में हमारे पापा जी की है। तुम लोग तो वही हो ना जिन्होंने मेरा पलटा टेला पलटा था, तुम यहाँ कैसे आए हो? आप क्या कह रहे हो सर, हम समझे नहीं कुछ। जब आपकी बाइक खराब हो गई थी और मैं आपसे भीख मांगने आया था, आपने मुझको भीख नहीं दी थी, कुछ याद आया? अबे भिखारी तू डीएम की कुर्सी पे क्या कर रहा है? चलो डीएम साहब को बुला के ला, और तेरा काम सिर्फ पानी पिलाने का है, डीएम की कुर्सी पे बैठने का नहीं। मनीराम इधर आओ। जी सर। मनीराम आप इन दोनों को बताओ आपसे यहाँ के डीएम साहब कौन है? जी साहब आपसे यहाँ के नए डीएम साहब यही है। ठीक है मनीराम तुम जा सकते हो। तुम डीएम साहब बने कैसे, तुम तो रास्ते में भीख मांगा करते थे। तुम जैसे लोग गरीबों को सताओगे तो जब गरीब कुछ करने की सोचता है तुम लोग उसे नीचे गिराने की सोचते हो। गरीबों का भी इस दुनिया में कोई होता है। चोर मेरा बैग ले गया, चोर चोर पकड़ो, चोर मेरा बैग ले गया। सर हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर हमारी फाइल चेक कर लो, हम अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। सर हमें माफ कर दो, जो हमसे गलती हुई है उसका हमें बहुत अफसोस है और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब हम बस यही चाहते हैं कि हमारा कोई अच्छा सा बिजनेस चल जाए और हम खुशी से रहना चाहते हैं। वक्त और हालात खराब होते हैं तो उसका दुनिया में कोई नहीं होता। लाइए मैं तुम्हारी फाइल देखता हूँ। ये जो तुम्हारी जमीन है ये सारी जमीन सरकार की हिफाजत में है। और हाँ, इस जमीन के सिलसिले में कुछ गाँव के लोग भी आए थे मेरे पास और उस जमीन पर उन गरीब लोगों की जरूरतें पड़ी हुई है, मैं उस जमीन को खाली नहीं करा सकता। सर ऐसा मत करिएगा, हमारी जमीन वापस करवा दीजिए। सर अगर आपने हमारी जमीन वापस नहीं करवाई
तो हम पूरे तरीके से रोड पे आ जाएंगे। तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथों से जा चुकी है और तुम पूरी तरह से रोड पर आ चुकी हो। सर प्लीज कुछ करिए जो कि हमारी जमीन हमें वापस मिल जाए। मनीराम इनसे बाहर जाने के लिए बोलिएगा। रुको ये लो 2 रुपए और इनका कुछ लेकर खा लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भिखारी भूखा रहे जैसे मैं भूखा था। और आप जा सकते हो। जी दोस्तों आप सभी कैसे होंगे? अच्छे होंगे। अगर हाँ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्त फिल्म प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ इससे अगली आने वाली वीडियो बहुत मज़ेदार होगी। और घंटी बजाने को मत भूलिए।